मेरे साथ हैं सनावत से नारायण सिंह जी, और ये अभी कैंगन वाटर यूजर हैं, कैंगन वाटर का प्रचार भी करते हैं। पर कैंगन वाटर इनके जीवन में आया उससे पहले, ये इनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, इनका एक्सीडेंट हुआ था जिसमें इनका जो है जबड़ा जो है वो बुरी तरह से डैमेज हुआ था उस दुर्घटना में। तो उसके बाद से जब ये हुआ तो उसके बाद इनकी चिकित्सा हुई, फिर पूरा इनका सर्जरी हुआ, और उसके बाद से फिर इनकी सुनने की क्षमता प्रभावित हुई इस एक्सीडेंट के बाद। और वो जो क्षमता थी इनकी सुनने की, वो जो है सिर्फ 25% ही रह गई। तो हम पूरा इनसे सुनेंगे कि कैंगन वाटर जब आया तो क्या रोल कैंगन वाटर का रहा, और कैंगन वाटर के आने से क्या परिणाम हुआ। ये पूरा एक नया टेस्टिमोनियल है अपने आप में, अनूठा, जिसमें जो कान जो है इनका, जो है ना ईयर, ईयर जो होता है उससे रिलेटेड जो है ये पूरा टेस्टिमोनियल है कि इसमें पस पड़ गया था, फिर वो पस सूखता नहीं था, फिर ये इंदौर आते थे, यहाँ डेली जब भी आते थे इनका 2 से 3 हज़ार रुपये वो ट्रीटमेंट में, क्लीनिंग में पूरा खर्चा होता था। और कैसे इनको इन सब चीज़ों से निजात मिली, और कैसे ये हेडफोन तक लगा नहीं पाते थे जैसा कि हमने सुना। तो नारायण जी थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, पूरा दुर्घटना के बाद का पूरा बताइए, कैसे कब दुर्घटना हुआ, आपका क्या 2 व्हीलर से थे, 4 व्हीलर से थे, पूरा थोड़ा सा एक ब्रीफ में बताइए। ठीक सर, मेरा नाम नारायण सिंह पवार है। मेरा लाइट साउंड का बिजनेस है, स्वास्थ्य साउंड के नाम से सनावत में। आज से 13-14 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था 2007 में। ये 2007 में एक्सीडेंट हो गया था और 2008 में मेरे कान में पस जमने लगा, सिमड़ा जमने लगा, सर्दी होने लगी तो ये कान भारी होने लगा। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि नाक की हड्डी टेढ़ी है, पर पूरा इसका जो सर्दी हो रही पूरा इधर जा रहा है, तो बोले कान का ऑपरेशन करना पड़ेगा और नाक का भी करना पड़ेगा। मैंने गीता भवन से, इंदौर में डॉक्टर अजय अग्रवाल है, उनको दिखाया था, उन्होंने ऑपरेशन किया मेरा गीता भवन में। फिर उसके बाद में मुझे कुछ लोचा लगा कि नहीं, दोनों ऑपरेशन तो नहीं हो सकते हैं। तो डॉक्टर, फिर मैंने डॉक्टर चेंज किया, डॉक्टर पुनीत भार्गव है इंदौर में, उनसे ट्रीटमेंट करवाया तो उन्होंने भी कान के ऑपरेशन का ही बोला। फिर मैंने कान का ऑपरेशन 2 महीने बाद करवाया, और जब करवाया और उसके उन्होंने बोला कि 3-4 महीने आना पड़ेगा, कान में जो भी अपन ने केमिकल लगा रखा है उसको साफ करना पड़ेगा, 3-4 महीने बाद आपकी बीमारी साफ हो जाएगी। तो वो तो आज तक गई नहीं, वो 3-4 साल तक सलंग चला करी, उनके पास जाया करा। फिर उसके बाद में मुझे डॉक्टर राजू मानुधन ने श्रेष्ठ कान के ENT के, अच्छा उनका नाम चलता है इंदौर में, और उनको मैंने दिखाया, डॉक्टर उनसे बोल मैं राजीव सर्टिफाइड डॉक्टर राजीव मानुधन है। मानुधन। अच्छा, राजीव मानुधन है। ओके ओके। हाँ हाँ, गेटर कैलाश में रहते हैं सर, हाँ और सर के इम्प्रूवमेंट भी बहुत अच्छे हैं, बेस्ट है सर। मतलब सर के ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं है, पर क्या है कि प्रकृति छिड़ गई तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते, वाली गलती हो गई मेरे साथ भी। अब मानुधन सर ने बोला कि 2 साल बाद मुझे बोला उसके पास दिखाने बाद कि बेटा ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन किया, सर ने भी बोला कि समटेल तो भार्गव जी ने भी अच्छा डाल रखा है, तो फिर भी तेरे साथ बीमारी हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने ऑपरेशन किया, फिर उसके बाद भी उन्होंने बोला 3-4 महीने तो बेटा आना पड़ेगा, पर उसके बाद भी आज तक जब तक सलंग ही चल रहा था, मैं 13 साल से यही पिक्चर चल रही है मेरे साथ, इसका 2.5 PH पानी छिटकने से मेरी पूरी कान की बीमारी साफ हो गई और 11.5 PH से, अच्छा, तो आप कान में मतलब इंदौर जो आते थे, तेरह साल तो की मेरी बीमारी कटी इससे। हाँ, तो पवार जी आप जब इंदौर आते थे तो ये कान में क्या जो पस पस जमता था आपको, वो पस निकलवाने और उसका क्लीनिंग करवाने इंदौर आपको हर महीने आना पड़ता था कि 3 4 महीने में एक बार आना पड़ता था? नहीं, हर महीने आना पड़ता था सर। क्या है कि कान में जब खुजली आती, मेरे को एलर्जी की प्रॉब्लम थी, खुजली आती थी तो ये नस कान की सूजा लेता था मैं, तो ओके okay. जब स्थिति हो जाती थी कि उंगली भी नहीं रख पाऊँ, जब मैं डॉक्टर के पास भागता था तो हर इंदौर आते थे मंथ तो आपको कितना खर्चा होता था हर ₹500, महीने? हर महीने कितना लग जाता था आपको? 500 रुपये तो इंदौर आने जाने का खर्चा लग जाता था, 500 रुपये डॉक्टर साहब की फीस, 1500 से 2000 रुपये का ट्रीटमेंट देते थे, 3000 रुपये से 2500 रुपये का खर्चा हर मंथ का फिक्स था।
ओके। साढ़े और सात से साढ़े 8 लाख रुपए खर्च करने के बाद में इनेजिक कंपनी के वाटर ने मेरे साथ ये म्यूजिक किया। तो आप कान में क्या डालते हैं, मतलब अगर 2.5 pH का पानी डालते हैं कि 11.5 डालते हैं, और क्या ये रोज डालते हैं कि। सर हेलो, मैं तो हाँ डेली नहीं डालता हूँ सर, हाँ जब हाँ तकलीफ बढ़ती है। अभी भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तकलीफ जैसे खुजली आई तो मैं 2.5 pH कर लेता हूँ, हाँ कभी 2.5 pH डालता हूँ, कभी 11.5 pH डालता हूँ। 11.5 pH से साफ हो जाता है, फिर अगले दिन में 2.5 pH डालता हूँ। एक दिन 11.5, एक दिन 2.5 pH, तो 4 से 5 दिन में पूरी बीमारी वो साफ होकर निकल जाती है। लोग आप सफाई करवाने में इंदौर भी नहीं जाना पड़ता है। आज 8 महीने हो गए इस तरीके से। और आपने एक बात और बताई थी कि ये ऑपरेशन करने के बाद भी आप हेडफोन नहीं लगा पाते थे, और आप जो हाँ है साउंड से मेरा भागते खुद थे, दूर का दूर भागते थे आप गांव। साउंड कान में लगा नहीं सकते थे, क्योंकि आप उसके लिए जो थे आपके कान तैयार नहीं थे, और शोर शराबा आप ज्यादा पास से सुन नहीं सकते थे। ये आपकी स्थिति थी ऑपरेशन के बाद भी। पवार जी, हमारे सतीश भैया सोनेर है, वो मुझे 2.5 pH का स्प्रे देते थे, मैं बार बार फेंक देता था। हाँ, कम से कम उन्होंने 20 स्प्रे दिए होंगे मुझे, और आखिर मैंने फेंक दिए। कोई तो कारण क्या था कि मैं फालतू के इसमें डॉक्टर को विश्वास करता था। मैं कि डॉक्टर को विश्वास कि एक बार मैंने जाए फ्री वाले का इलाज लेके देख लिया, तो 15 दिन इंदौर में बैठना पड़ा अपना काम धंधा छोड़कर। कि काम धंधा छोड़कर 15 दिन डॉक्टर को पैसा भी देना, बराबर। कान भी सफा करवाना, डेली आना जाना तो कर नहीं सकते थे। कि डेली आना जाना कर नहीं सकते, तो सतीश भैया बोले कि एक बार ये बोले बोले कारण क्या आएगा। मैंने बोला भाई अब मत देना यार, प्लीज यार जो भी हो मैं नहीं करूंगा। मैंने 20 स्प्रे फेंकने के बाद भाई सतीश भाई सौंदर्य जी को बोला कि भाई आखिर चाहता क्या है तू। तो बोले यार भाई तेरे कान में रुई लगी रहती है, उसका राज बता पहले, फिर स्प्रे का राज बताऊंगा। तो मैंने उनको बोला कि मैं अगर रुई कान में से निकाल दू तो यहाँ से अपने चौराहे तक नहीं जा सकता हूँ, मैं चक्कर आके गाड़ी से गिर जाऊंगा। डेली कंडीशन यह थी सर, ओके ओके। उसका 2.5 pH पानी छिटकने से आज ये स्थिति की कान के अंदर रुई नहीं लगती है। खुद का साउंड का काम 200 फीट दूर जाकर बैठता था, आज साउंड के पास भी बैठ सकता हूँ, हेडफोन भी कान में लगा सकता हूँ, दोनों कान। आज यह स्थिति कान ये सब परिवर्तन, से ये सब परिवर्तन जो है, ये कैंगन वाटर 11.5 और 2.5, ये दोनों आपने कान में डाले हैं, ठीक है। मतलब बारी बारी से आप डालते हैं, 2.5 डालते हैं, 2.5 के बाद आप फिर 11.5 डालते हैं, और इसी से आपकी एक दिन संपूर्ण। छोड़ के हाँ हेलो, एक दिन 11.5, एक दिन 2.5 pH। अच्छा ऐसा डालते हैं आप। ओके ओके। पहले और अब आप प्रॉपर सुन पा रहे हैं पूरी तरीके से। ऑपरेशन नहीं कराया था ना पहले। हाँ अब आप अपना क्या बोलते हैं, बोलिए। कान का 25% सुनाई देता था जब ऑपरेशन नहीं करवाया था। जब ऑपरेशन कराया जब 50% सुनाई देता था, आज की तारीख में 80% से 90% कान में सुनाई देता है, और कोई ओके तकलीफ नहीं है सर। ओके ओके ओके। तो हमारे साथ हमारे सतीश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ इसलिए, इस इनर्जी किंगन वाटर में लाने के लिए भी, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो मेरा आज कान भी नहीं सुधरता। 7.5-8 लाख रुपए लगाने के बाद भी इस चीज की फर्क पता पड़ी, नहीं और मैंने डिवाइस सतीश। केवल मेरा कान सुधरने पर ले ली, मेरे घर में किसी ने डेमो भी नहीं देखा था। ओके ओके ओके। तो हमारे साथ हैं नारायण जी, और नारायण जी को शुभकामना, उनका जो है कान बचा हुआ जो थोड़ा बहुत है वो भी जल्दी से ठीक हो जाए, और सतीश सावनीर जी को भी बहुत बहुत शुभकामना बधाई कि उन्होंने ये जो प्रयोग इनके ऊपर किया ये कारगर हुआ, इनकी सुनने की क्षमता बढ़ी, ये जो स्पीकर नहीं लगा पाते थे ईयरफोन, ईयरफोन लगा पा रहा है, इनके कान की रुई जो है वो हट चुकी है, और इनको प्रति माह जो इंदौर आना पड़ता था इस कान को साफ करवाने के लिए, ये भी अब इनको आना नहीं पड़ता, सिर्फ 2.5 pH और 11.5 pH से ही ये जो है इनकी सुनने की क्षमता बढ़ गई, वो जो कान की सफाई भी ये खुद ही कर लेते हैं, और जो है सारे खर्चे इनके बचे, 8 लाख रुपए खर्चा करने के बावजूद भी जो इनका जो नतीजा था वो आप इन्हीं की जबानी सुन चुके हैं, और कैंगन वाटर का इस्तेमाल करने के बाद जो है इनके जीवन में जो परिवर्तन आया वो आप सुन चुके हैं।